न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आइकन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको न्यू एजुकेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। Hello everybody and welcome back to the channel once again. Now we are also on Instagram with the name Sing Creation Education, the same name which is on YouTube, so that we all can connect. And if you have any questions related to any of the chapter, you can ask me out there. So for any update related to notes or the videos, lectures, you can follow me up there. Hello everybody and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to talk about part 4 of chapter number 13, organisms and population. So guys, last video ke andar I forgot to explain this graph. This graph generally means ki bahar ka level kya hai temperature ka, and then uske opposite mein rakha hua inhone ki body ka temperature kya hoga, aur uske change hone se kis tarike se organism jo hai apne temperature ko change karenge ya fir constant rakhenge. So generally, chahe bahar ka level change ho temperature ka ya fir zyada ho ya kam ho, तो जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा कांस्टेंट रखते हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलेटर्स. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, इनका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं हो रहा है. अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ये एग्जैक्टली वैसा कांस्टेंट ही रखते हैं. एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस में ही रहने की कोशिश करते हैं हमेशा, और वो कंडीशन कौन सी होती है? होम्योस्टेटिस कंडीशन. नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कन्फर्मर्स. नाउ कन्फर्मर्स वो होते हैं जो जनरली अपनी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल लेवल के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं. कि अगर बाहर ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो जो है अपने आप को उसी अकॉर्डिंग से अपने इंटरनल टेम्परेचर को चेंज करेंगे. लेकिन जो पार्शियल रेगुलेटर्स, अब आपको रेगुलेटर्स तो पता है कि कौन होते हैं, जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं एज विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर. ओके, बट पार्शियल रेगुलेटर्स वो होते हैं जो इनिशियल स्टेज में तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करेंगे, जो शुरुआत में कन्फर्मर्स होंगे, बट एक ऐसी सिचुएशन के बाद, एक ऐसा टाइम आएगा, एक टाइम पीरियड के बाद वो जो है वो रेगुलेटर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. यानी कि उसके बाद वो अपने टेम्परेचर के अंदर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं लाएंगे. ये है हमारे इसी ग्राफ का मतलब कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं टू द टेम्परेचर. नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक का नाम है यहाँ पर अडैप्टेशन. नो, अडैप्टेशन का मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाती है इवोल्यूशन एज वेल एज अडैप्टेशन के अंदर, क्योंकि दोनों ही आपस में काफ़ी सिमिलर हैं. ओके, हम यहाँ समझेंगे दोनों आपस में सिमिलर होने के बावजूद किस तरीके से क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. While considering the various alternatives available to organism for coping with extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustments while others do so behaviorally. यानी कि उस जगह से migrate होके या फिर temporarily उस जगह को छोड़कर वो चले जाते हैं या फिर हमेशा के लिए छोड़ के चले जाते हैं. किसकी वजह से? वहाँ का जो habitat है वो change हो चुका है, वहाँ का habitat stressful हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा ऐसी condition हो चुकी है जो कि extreme condition है. और कुछ क्या करते हैं, लाइंस का मतलब ही यही है कि जो रिस्पांस होता है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का किसी भी आसपास के एनवायरनमेंट के वजह से, वो क्या होता है, या तो वो फिजियोलॉजिकली चेंज लाएंगे अपनी बॉडी के अंदर या फिर वो बिहेवियर के अंदर चेंज लाएंगे. जो बिहेवियर क्या चेंज होगा कि वो या तो उस जगह से माइग्रेट कर जाएं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं हमेशा के लिए, परमानेंट माइग्रेशन, कभी यानी कि जाएंगे और कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस आ जाएंगे, वो टेम्परेरी माइग्रेशन होता है. तो इसी तरीके से दीज रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो एक्चुअली देयर अडेप्टेशन. ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं कि उस जगह में सर्वाइव कर पाना या फिर उस जगह को माइग्रेट कर जाना उस जगह से, ये सभी अडेप्टेशन के अंदर ही आते हैं. तो हम कह सकते हैं कि अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किसी भी तरीके का एट्रीब्यूट हो, किसी भी तरीके से कोई चेंज हो ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि उनके बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आया, फिजियोलॉजिकली एज वेल एज उनके बिहेवियर में यानी कि माइग्रेशन अगर हुआ है, तो वो सभी किसी के अंदर आते हैं. ये सभी जो हैं अडैप्टेशन के अंदर आते हैं, जो किस लिए किया गया है, टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए या फिर रिप्रोड्यूस करने के लिए उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए. Now many adaptation have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. काफ़ी अडेप्टेशन यहाँ पर इवॉल्व हुई है, यानी कि काफ़ी अडेप्टेशन की गई है ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और जेनेटिकली उनको फिक्स किया गया है. यानी कि जीन्स के, अगर किसी चीज़ की अडेप्टेशन हो गई है तो जेनेटिकली फिर उस चीज़ को फिक्स किया गया है. किस लिए? ताकि वहाँ पर पूरा प्रॉपर सर्वाइवल हो सके और फिट भी रह सके. फिट का मतलब आप सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस की यहाँ पर बात की जाती है. नेक्स्ट हम चलते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल
अब देखिए क्या है, यहाँ से आपका शुरू होता है एग्जाम्पल, जो किसका है, कंगारू रैट का। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, जब बाहर से कोई पानी नहीं मिलता है, बाहर से कोई सोर्स नहीं है पानी मिलने का, सो जो कंगारू रैट होते हैं, नॉर्थ कंगारू रैट, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये एग्जाम्पल, नीट के एग्जामिनेशन में काफ़ी चांसेज हैं इसके आने के और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा एग्जाम्पल, किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल समझने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। जो कंगारू रैट है, जो कहाँ रहता है, नॉर्थ अमेरिका में, वो जो कि नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में रहता है, वहाँ पर वो अपने पानी के सभी रिक्वायरमेंट्स पूरे कैसे कर पाता है, वो कर पाता है अपने खुद के इंटरनल फैट को ऑक्सीडाइज करके, यानी कि उनका ओन इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन यहाँ पर होता है, इन विच वाटर जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वो जो है अपनी, जो कंगारू रैट जो है नॉर्थन अमेरिका के अंदर जो डेजर्ट के अंदर रहते हैं, वो जनरली क्या करते हैं कि अपनी यूरिन को भी कंसनट्रेट कर लेते हैं, किस लिए, ताकि ज़्यादा अमाउंट में जो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में पानी का लॉस ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, कई सारे, आप देखो ये जो है ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये भी एक तरीके का एग्जांपल है कि कई सारे ऐसे डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं जिनका क्यूटिकल जो होता है वो थिक होता है, ठीक है, उनके लीफ सरफेस के ऊपर जो क्यूटिकल होता है वो थिक होता है एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट्स, यानी कि जो स्टोमेटा हमेशा अपर साइड होता है, लेकिन जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा काफ़ी नीचे की तरफ प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है टू मिनिमाइज द वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब ही होता है कि द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स, लीव्स से जो पानी लॉस हो रहा है यहाँ पर, वो क्या प्रोसेस है यहाँ पर, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, जो स्टोमेटा के थ्रू हो रहा था उसको कम करने के लिए क्या किया गया है कि स्टोमेटा जो है वो काफ़ी डीप पिट्स के अंदर, यानी कि काफ़ी डेप्थ के अंदर अरेंज किया गया है। नाउ दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, जिसको हम CAM बोलते हैं, ये एक बहुत ही स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे है जो कि इनेबल करता है उनके स्टोमेटा को क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर स्टोमेटा यहाँ पर क्लोज रहेगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सनलाइट की वजह से ट्रांसपिरेशन हो रहा था, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर स्पेशल इनका फोटोसिंथेटिक पाथवे है जिसको कैम बोलते हैं, जिसका फंक्शन क्या है, टू इनेबल द स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। सम डेजर्ट प्लांट्स जैसे कि ओपनशिया हैव नो लीव्स, उनकी कोई लीव्स ही नहीं होती, बट फिर भी उनके अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, सो जनरली दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन, उनकी लीव्स नहीं है लेकिन लीव्स जो है उनका स्ट्रक्चर छोटा हो गया है और वो क्या हो गई है, स्पाइन बन चुकी हैं, एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेंड स्टेम, यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर फ्लैट स्टेम्स करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और अडाप्टेशन की ओर, जिसमें हमारे मैमल्स के बारे में बताया हुआ है, वो क्या है कि मैमल्स जनरली जो कोल्डर क्लाइमेट के अंदर रहते हैं, ठंडे क्लाइमेट के अंदर रहते हैं, उनके जो कान हैं दे हैव शॉर्टर ईयर्स, कान छोटे होते हैं, लिम्स जो हैं वो भी छोटे होते हैं, यानी कि हाथ और पैर वो भी छोटे होते हैं, ताकि उनका जो बॉडी के अंदर से हीट लॉस है वो कम हो सके, और वो उनकी बॉडी ने अडेप्ट ही किया है। जब वो ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में रहते थे तो उनके कान और उनके हाथ पैर यानी कि लिम्स छोटे हो गए, ताकि उनकी बॉडी में जितनी हीट प्रोड्यूस होती है उससे बहुत कम अमाउंट में, मिनिमल अमाउंट में हीट जो है वो लॉस हो पाए। नेक्स्ट चलते हैं, इसी को हम कहते हैं एलेंस रूल। गाइस ये जो है आपके नीट एग्जामिनेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, और चांसेस भी हैं इस एलेंस रूल के एग्जामिनेशन के अंदर पूछने के। ओके, तो ये एलेंस रूल यही होता है कि बॉडी के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका कम से कम लॉस हो बाय द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, यानी कि अडेप्ट कर लेती है बॉडी आसपास की इन्वायरमेंट को। इन द पोलर सीज एक्वेटिक एनिमल्स या सॉरी एक्वेटिक मैमल्स जैसे कि सील्स हो गई, उन सभी की थिक लेयर होती है फैट की, जिसको हम ब्लबर कहते हैं, बिलो देयर स्किन, उनकी स्किन के नीचे, जो कि किसका काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ट्राई करती है कि उनकी बॉडी की हीट जो है वो कम अमाउंट में निकले। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करती है कि उनकी बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस हुई है वो ज़्यादा अमाउंट में बाहर ना जाए, मिनिमल अमाउंट में हीट का लॉस यहाँ पर हो। ठीक है, इंसुलेटर का मतलब ये है कि हीट को अब्जॉर्ब करना लेकिन ज़्यादा अमाउंट में उसको बाहर ना जाने देना। नाउ ये भी एक तरीके का एग्जाम्पल था एलेंस रूल का। सम ऑर्गेनिजम्स पोजेस अडेप्टेशन दैट आर फिजियोलॉजिकल विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ जनरली
स्ट्रेसफुल सिचुएशन. कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अडेप्टेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फिजियोलॉजिकल, यानी कि फिजियोलॉजिकली वो वहाँ पर अडेप्टेशन करेंगे, जो कि उन्हें क्या अलाउ करता है कि वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं. जैसे कि अगर इफ़ यू हैड एवर बीन टू एन हाई एल्टीट्यूड प्लेस, कि आप अगर किसी हाई एल्टीट्यूड प्लेस पर गए हो, काफ़ी ऊंची प्लेस पर गए हो, तो वहाँ पर आपने कई बार ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी. आप चाहे मान लो कि रोहतांग के पास जो मनाली है, अगर आप मनाली या लेह के पास गए हो तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा एक चीज़ जो कि एल्टीट्यूड सिकनेस, यानी कि आपको चक्कर से आने लगते हैं, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको अजीब सा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है, वियर्ड सा लगना शुरू हो जाता है. ये सब क्या है? ये सब है एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसके अंदर हमें सिम्टम्स कुछ नज़र आते हैं, फटीक, ठीक है, हार्ट पाल्पिटेशन, नौसिया, ये सब क्या होता है? ये सब जनरली होता है सिम्टम्स. नाउ ये सिम्टम्स किसकी वजह से हैं? ये सिम्टम्स हैं क्योंकि आप इस पर्टिकुलर प्लेन से आप गए एक बहुत हाई एल्टीट्यूड पर, और उस हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, इनफ ऑक्सीजन बॉडी को नहीं प्रोवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है ब्रीदिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता है, और आपको थोड़ा अजीब सा वियर्ड सा लगना शुरू हो जाता है, आपको चक्कर से आने लगते हैं. इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस. वॉमिटिंग भी होती है इसके अंदर. बट यहाँ पर अडेप्टेशन कैसे आया कि जब आप उस एल्टीट्यूड पर गए, आप 3 से 4 दिन की ट्रिप पर गए, तो आप पहले दिन तो आपको ऐसा फील हुआ, ये सारे सिम्टम्स आपको दिखे और आपको एल्टीट्यूड सिकनेस लगा. लेकिन सेकेंड डे क्या होगा कि आपकी बॉडी यहाँ पर अडेप्ट कर लेगी, और वो क्या करेगी, बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लिमेटाइज्ड एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस. कि भाई कुछ टाइम के बाद आपकी वो एल्टीट्यूड सिकनेस जो ख़त्म हो जाती है. अब आपने सोचा है कभी कि आपकी बॉडी ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की? बिकॉज हमारी बॉडी जो है वो कंपनसेट करने लग जाती है कि हाँ भाई, अब बॉडी को जो है ऑक्सीजन कम मिल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम है, तो उसको जो है अपनी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का जो अमाउंट है, प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाना होगा बाय डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट. ठीक है, जल्दी जल्दी सांस लेंगे तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर जाएगा और बॉडी को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पाएगा. तो यही है एक तरीके का अडेप्टेशन कि इनफ ऑक्सीजन नहीं जब प्रोवाइड हो रहा था तो एल्टीट्यूड सिकनेस देखने को मिला, और उसके बाद क्या हुआ, बॉडी ने अडेप्ट कर लिया उस कंडीशन को कि हाँ, यहाँ पर तो मुझे कम अमाउंट में ही मिल रहा है ऑक्सीजन, तो मुझे उसी में काम चलाना पड़ेगा. तो उसके अंदर उसने क्या किया, कंपनसेट करने के लिए, कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए उसने क्या किया, बॉडी ने ज़्यादा अमाउंट में रेड ब्लड सेल प्रोवाइड, यानी कि बनाने शुरू कर दिया, रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, और उसके साथ क्या हुआ कि ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो. नाउ मेनी ट्राइब्स लिव इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज. कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो कि हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, हिमालयाज में रहते हैं. नाउ फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव अ हायर रेड ब्लड सेल काउंट और टोटल हीमोग्लोबिन देन पीपल लिविंग इन द प्लेन्स. जनरली बहुत सिंपल सी बात है कि जो लोग शिमला में रहते हैं, जो लोग मनाली में रहते हैं, जो लोग हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, उनका जनरली जो रेड ब्लड सेल यानी कि RBC की काउंट है वो हमसे कई ज़्यादा अमाउंट में होगी, यानी कि हमसे एक्सट्रीम अमाउंट में ही ज़्यादा होगी. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पर एनवायरनमेंट में ही ऑक्सीजन कम है, जैसे जैसे हम हायर हाइट्स पे जाते रहेंगे ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाएगी, तो क्या होगा कि जब जैसे ही ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो रही है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम एंटर हो रहा है, और उसकी वजह से बॉडी ने RBC की प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी. तो सेम यहाँ पर वही फॉर्मूला बताया हुआ है. इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज. ठीक है, कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके अंदर आप देखोगे कि कम अमाउंट में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं जो कई सारे एनिमल्स के अंदर, वो किसी भी नैरो टेम्परेचर रेंज के अंदर अपने आप को चेंज नहीं करते हैं. जैसे कि ह्यूमंस के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस ही उनका टेम्परेचर है, और वो क्या है कि अगर किसी भी अमाउंट का टेम्परेचर आ जाए वो हमेशा ट्राई करेंगे कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर वही रहे, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे. तो कई एनिमल्स के अंदर ऐसा देखने को मिलता है. बट देर आर माइक्रोब्स, कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जिस माइक्रोब का नाम मैं बता दिया है आपको, आर्की बैक्टीरिया दैट फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर एक्सीड्स 100 डिग्री सेल्सियस. कि वो पहले कहाँ पर, हॉट स्प्रिंग के अंदर फ्लोरिश होते हैं, एज वेल एज वहाँ पर कैसी कंडीशन में होते हैं, हाइड्रोथर्मल कंडीशन के अंदर. ओके, जहाँ पर अराउंड जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, तो वो वहाँ पर कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द अडेप्टेशन, क्योंकि उनकी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया उस एनवायरमेंट कंडीशन को, और उसके बाद उनकी बॉडी ने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है. नेक्स्ट हम चलते हैं
मैनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिका, यानी कि कई सारी ऐसी जो आपकी फिश हैं जो कि अंटार्कटिक वाटर्स के अंदर रहती हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो है हमेशा 0 डिग्री से कम होता है। तो आप ये सोचिए कि अपने आप को, अपने बॉडी फ्लूइड्स को वो कैसे फ्रीज होने से, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा अमाउंट में अगर यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, ज़्यादा अमाउंट में ठंड है, टेम्परेचर ज़्यादा लो है, 0 से भी नीचे है, तो पानी यानी कि इट्स नॉट ओनली पानी, जो भी लिक्विड होगा वो फ्रीज हो जाएगा। ओके, तो जो फिश हैं जो उस अंटार्कटिक रीजन में रह रही हैं, जहाँ पर हमेशा 0 डिग्री से कम में ही रहता है टेम्परेचर, वहाँ पर वो फिश अपनी बॉडी के फ्लूइड को कैसे फ्रीज होने से बचा पा रही हैं। सो जनरली अ लार्ज वैरायटी ऑफ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स एज वेल एज फिश लिव एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन विद द प्रेशर सॉरी विद द प्रेशर कुड बी लेस देन यानी सॉरी मोर देन 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर दैट वी एक्सपीरियंस। देखिए, जो हम आसपास एटमोस्फेरिक प्रेशर को एक्सपीरियंस करते हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा क्या होगा डेप्थ में, सी के डेप्थ में, ओशन के डेप्थ में जो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो डेप्थ में इससे भी ज़्यादा होगा, 100 गुना ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर आप ये भी क्वेश्चन आ गया कि भाई वो, ये तो हमें पता चल गया कि वो ऊपर सरफेस पे नहीं है, वो बहुत डीप में है, ठीक है, बहुत नीचे प्रेजेंट हो सभी फिश। उसके बाद इन्होंने बोला कि वहाँ पर एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो 100 टाइम ज़्यादा है जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर इतना ज़्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो वो फिश वगैरह वहाँ पर किस तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं। ओके, नाउ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम इन्वायरमेंट शोज अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशन, यानी कि वो यहाँ पर ना ही फिजियोलॉजिकली ना ही बिहेवियरली वो यहाँ पर बायोकेमिकली अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। सो जनरली सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कोप अप विद द वेरिएशन इन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि अब ये जो है कंक्लूजन वाला पॉइंट ऑफ व्यू है कि कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं अपने आप को अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, या फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, यानी कि वो अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को या फिर किसी भी तरीके से मॉर्फोलॉजिकली अडेप्ट करते हैं आसपास के एनवायरमेंट को। डेजर्ट लिजार्ड एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जो डेजर्ट लिजार्ड होती हैं उनके पास किसी भी तरीके की एबिलिटी नहीं होती, फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती, जो कि मैमल्स के पास होती है कि वो हाई टेम्परेचर के साथ डील कर पाए जो उनके हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट है, बट फिर भी वो डेजर्ट लिजार्ड जो है अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को फेयरली यानी कि रफली कॉन्स्टेंट रखती हैं। किसकी वजह से? अपने बिहेवियरल मीन की वजह से। दे बास्क इन द सन एंड अब्जॉर्ब हीट, वो क्या करते हैं, वो सन के अंदर निकलते हैं और हीट को जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं जब उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है बिलो द कम्फर्ट जोन, और वो जो है उसके बाद मूव कर जाते हैं किसकी तरफ, छाया की तरफ। अगर दिन में, क्योंकि डेजर्ट एरिया है वहाँ पर रेत क्या है, रेत जल्दी ठंडी हो जाती है एज वेल एज ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, तो डेजर्ट एरिया ऐसे होते हैं कि दिन में अगर गर्मी है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, रात में अगर ठंड है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बिकॉज रेत जो है वो काफ़ी जल्दी ठंडी भी हो जाती है और काफ़ी जल्दी गर्म भी हो जाती है। तो ये जो डेजर्ट लिजार्ड्स होती हैं क्या करती हैं, अगर उनकी बॉडी का टेम्परेचर उनके कंफर्ट जोन के टेम्परेचर से गिर गया है यानी कि लो चला गया है, तो वो सन के सामने आएंगी और हीट को अब्जॉर्ब कर लेंगी और वापस से भाग जाएंगी किसकी तरफ, जो छाया वाली जगह यानी कि शेड वाली जगह है, ठीक है। दे मूव इनटू द शेड व्हेन द एम्बियंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एम्बियंट मतलब एम्बियंस जो आपके आसपास का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो वहाँ से भाग कर कहाँ चली जाएंगी, शेड के अंदर। नाउ सम स्पीशीज आर केपेबल ऑफ बरोइंग इनटू सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट, कि जो अबव यहाँ पर समझ लीजिए एक तरीके से, अगर ये वाला एरिया है ये आपकी सैंड है और यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हीट पड़ रही है, ठीक है, पहले तो स्मॉल अमाउंट में थी, काफ़ी धीरे से हीट थी यहाँ पर, शुरुआत हुई थी दिन की, तो यहाँ पर वो आए ऑर्गेनिज्म आए और उन्होंने हीट को अब्जॉर्ब करना शुरू किया, लेकिन जब ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होने लगी, इंक्रीज होने लगा टेम्परेचर, तो वो क्या करेंगे, इस रेत के अंदर घुस जाएंगे और छुप जाएंगे। रेत सिर्फ यहाँ से गर्म होगी, अंदर से वो गर्म नहीं होगी, सरफेस पे ही गर्म होगी जो कि बताया हुआ है अबव ग्राउंड हीट, तो उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर ही छिप जाते हैं। और जो हमारी डेजर्ट लिजार्ड होती है वो क्या करती है, जब पहले तो अब्जॉर्ब करेगी हीट को थोड़ा, और जब इंक्रीज होने लग जाएगा टेम्परेचर तो वो क्या करेगी, उस टेम्परेचर से बचने के लिए कहाँ चली जाएगी, वो हीट के, वो सॉरी शेड के अंदर चली जाएगी। और रात के टाइम क्या करती है, आप कह रहे हो कि भाई पहले शेड के अंदर गई, रात के टाइम क्या करती है वो उस, मैंने आपको पहले बोला था कि अंदर जो है सॉइल के नॉर्मल टेम्परेचर होगा लेकिन सरफेस पे टेम्परेचर वेरी करता है, रात के टाइम पे सरफेस वाला टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तो वो क्या करेगी, लिजार्ड जो डेजर्ट लिजार्ड है वो यहाँ से एंटर कर जाएगी अंदर, और अंदर सॉइल के वो रहने लगेगी पूरी रात।
ओके और दिन के टाइम क्या करती है, वहाँ से बाहर आके हीट को अब्जॉर्ब करने लगती है और वापस से अंदर वो शेडी एरिया में चली जाती है। तो ये था आपकी बॉडी का अडेप्टेशन हर अलग अलग तरीके से, हर एक एग्जाम्पल के साथ हमने समझा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना, एक और चैनल का लिंक गिवन है उसको जाकर सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे खाने की रेसिपीज़ आपको मिलेंगी, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो। एज वेल एज अगर आपको अभी भी किसी बुक के अंदर कोई कन्फ्यूजन है, अभी भी आपको लगता है कि आपकी तैयारी जो है वो पूरी नहीं हुई, चाहे वो नीट के लिए हो या फिर बोर्ड्स के लिए हो, तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस शुरू कर दो लगाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको सभी बुक्स की लिंक मिल जाएगी, आप उसको जाकर खरीदो। ऑनलाइन क्वेश्चंस पाने का ये झंझट छोड़ दो, बिकॉज ऑनलाइन जो है आंसर्स कहीं मिलेंगे, क्वेश्चन कहीं मिलेंगे, कोपअप नहीं हो पाएगा। एक बुक आपके सामने होगी, आपके पास बुक रखी हुई होगी, तो आप उसको सॉल्व करने का भी ट्राई करोगे। तो प्लीज़ इस टाइम पर छोड़ दो ये सब चीज़ें, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शुरुआत कर दो, ठीक है। नई नई चीज़ें मत पढ़ो, अभी जो पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो और अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।